है। तू कौन आती है मुझे रोकने वाली? लगाऊंगी लगाऊंगी लगाऊंगी, लगा के तो देख तेरा दांत तोड़ दूं। गीता बाहर आने तो मुझे, तुम दोनों की जान निकाल दूंगी। बढ़िया ही दांत तोड़ने वाली, अपनी शक्ल तो देख देख चुकी, पर तुझे इतना नहीं दूंगी। शीशी मेरी है, कल तूने मेरा दुकान खोल लिया और मेरे बुंदे क्यों पहने थे, और उस दिन पार्टी के लिए तुमने मेरी चूड़िया क्यों मांगी थी? चूड़िया मांगी थी उसके लिए द्वारे नहीं ले लिया। तुम लोगों को स्कूल नहीं जाना क्या? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। दीदी मुझसे झगड़ा करती है। दीदी मेरी तरह की। अरे पप्पू दीदी मैं सर में क्या लगाऊं? मेरा जूता है गीता की बच्चे, अभी तुझे मत लगती। नाक में दम कर दिया है तुम लोगों ने मेरा, वो मरम्मत करूंगी कि फिर याद करूंगी। जब भागो लाज। आए पिताजी। अरे कहाँ हो बेटी, जरा नीचे तो आओ। लाज। अरे पप्पू ये क्या निकल कर आ गया? दीदी लाएगी। दीदी लाएगी टोपी का, टोपी का बच्चा निकल तो पहनी नहीं तुमने, शर्म नहीं आती नंगे घूमते हुए? अरे बेटी मेरी टाई टाई नहीं मिल रही है। ये क्या यही तो है। तुम्हारे बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अपने कपड़े तक नहीं निकाल सकता। सोचता हूँ जब तुम पराए घर चली जाओगी तो इस घर का क्या होगा, उन बच्चों को कौन संभालेगा? पिताजी आप जल्दी तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता रखवाती। अच्छा बेटी मैं अभी आया। रामू बेटा आया तू पाओ। रामू 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 मुझे दूध दो। नहीं मुझे पहले दो। नहीं मुझे पहले दो। अरे बुद्धू टोस्ट नहीं दूध, जल्दी करो। देता हूँ बाबा, आदमी हूँ कोई मशीन तो नहीं हूँ। आदमी हूँ कोई नहीं। लीला तुम लोग पास नहीं आओगे? पप्पू तुम इंजन ड्राइवर बनोगे ना, तो दूध पी लो। दीदी डैड मुझे फिर बनाते हैं। लाड अरे तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया, फास्ट ट्रेन निकल जाएगी। नमस्ते। नमस्ते। बच्चों को जरा संभाल लेना, पिताजी मैं जा रही हूँ बहुत देर। अरे बेटी तुम्हारा नाश्ता।
मैंने कहा हेलो हेलो। अच्छा ये बताओ इतनी देर से क्यों है? हम लोग कितनी देर तक तुम्हारा इंतजार करते रहे? तुम्हें किसने कहा था इंतजार करने को? अरे क्या हुआ है तुम्हें? मालूम होता है किसी से लड़ के आए हो, मुख फुलाए हुए होते हो, बिल्कुल बंदर जैसे लगते हो। शाम एक बात सुनोगे? क्या? जब तुम मुख फुलाए हुए होते हो बिल्कुल बंदर जैसे लगते हो। मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। उई तौबा, आप इसे मजाक समझ रहे हैं? जरा आईने में अपनी शक्ल तो देखिए, ऐसा लगता है जैसे हॉलीवुड का जीपी खड़ा हो। चलो शाम तुम जाओ, मुझे बोर मत करो। ये भी कोई रूठने का मौसम है दीवाना।
लाज। हाँ, ये तो बोलता भी है। हाँ। हम दोनों की बेहतरी इसी में है। हाँ। कि हम आपस में मिलना जुलना छोड़ दें। छोड़ दें? छोड़ देंगे? हमेशा के लिए जुदा हो जाना। हमेशा के लिए? ये भी चलेगा? लाज, जब हम दोनों की शादी नहीं हो सकती तो मिलने से क्या फायदा? कौन कहता है? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तुम समझती क्यों नहीं लाज? मैं तो बुद्धू हूँ, मैं कैसे समझ सकती हूँ? तो सुनो लाज। हाँ? जब तुम्हारे पिताजी शादी की इजाजत नहीं देते तो हमारा मिलना जुलना अच्छा नहीं। ये फजूल है, बेकार है, गलत है लाज। ऐसी बात कह के मेरे दिल न तोड़ो शाम। हम लोग सच्चाई से नहीं भाग सकते लाज। हमारी शादी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। फिर तुम ही बताओ अब क्या किया जाए। मैं क्या बता सकता हूँ लाज। हाँ, एक तरीका है। लेकिन तुम वो भी ना कर सकोगी लाज। जब जी चाहे आजमा के देख लेना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ श्याम। तो फिर चलो आज ही निकल चले लाज और किसी दूसरे शहर में जाके शादी कर ले। श्याम, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मेरी समझ में कुछ नहीं आता डॉक्टर, लाज का क्या होगा? शंकर लाल, तुम मेरी बात भी सुनोगे अपने ही गाये जाओगे। बैठो यहाँ। लड़के ने हाँ कर दी है। इतना अच्छा लड़का है, कहने लगा आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। शंकरलाल, आजकल के जमाने में ऐसा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। मैं लड़की के बारे में नहीं सोच रहा हूं डॉक्टर, मुझे तो अपनी बेटी लाज। लाज मेरी बेटी भी तो है, मुझे भी तो उसका फिक्र है। बस एक दफा तुम्हें लड़के की माँ से मिलने के लिए बेंगलोर जाना होगा। वो तो तुम जब भी कहोगे चला जाऊंगा। तुम कल सुबह हवाई जहाज से चले जाओ, उसकी माँ से बात पक्की करके अगले दिन वापस आ जाओ। मैं तुम्हें खत दे दूंगा, उसमें तुम्हारी उनसे जान पहचान करवा दूंगा। अच्छा, तुम जाने की तैयारी करो, मैं कल सुबह एयरपोर्ट पर उस लड़के के साथ तुम्हें मिलता हूँ। मैं तो उसे आज ही ले आता लेकिन उसकी नाइट ड्यूटी निकल आई। लेकिन इस बारे में लाज को भी तो कुछ कहना जरूरी है। लाज को कहने की कोई जरूरत नहीं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। अब सो जाओ बेटी। मुझे 5 बजे जगा देना, सुबह के प्लेन से बेंगलोर जाना है। सुनो, बैठो। बेटा, हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी के बारे में जो फैसला मैं कर रहा हूं उसके कारण तुम मुझे बुरा समझो, शायद मुझसे नफरत भी करने लगो। लेकिन बेटा, मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूं, मुझ पर तुम विश्वास रखो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसी में तुम्हारी भलाई है। जाओ बेटा, अब सो जाओ।
आज तुम्हें आदमी में किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, लेकिन शाम मुझे डर लग रहा है। अरे इसमें डरने क्या बात है, दिल्ली पहुंचते ही सब ठीक हो जाएगा। जरा आहिस्ता बोलो, उसने सुना तो नहीं? तुम तो खामखा डर रही हो, वो तो सो रहा है। इस बैग में क्या है? इसमें वो नेकलेस भी है जो मैं घर से लाई हूँ, इसे संभालो। सिर्फ नेकलेस? हाँ, मैं और जेवर नहीं लाई। लेकिन लाज एक नेकलेस से क्या होगा? बहुत कीमती है, असली मोतियों का। माँ कहा करती थी 10,000 रुपए का है। पार्थ, तुम्हारा नेकलेस लेते हुए मैं शर्म से मरा जा रहा हूँ, मैं इसे बेच नहीं सकूंगा। फिर वही बात, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे मुझे नया ले देना। मैं जरा सिगरेट लिया। बॉम्बे सेंट्रल उतर के ले लेना सिगरेट। ये सामने तो मिलते हैं, अभी आता हूँ। और जो गाड़ी चल गई तो? तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आया। एक पैकेट कैप्सूल। चेन खींचने की क्या जरूरत थी? मैं तो पिछले डिब्बे में चढ़ गया था। मैंने तो चेन नहीं खींची, किसी और ने खींची होगी। आओ चलो। थी। जब तुम नहीं आए गाड़ी जल्दी, मेरा कलेजा धक से रह गया। लाज में सिगरेट ले ही रहा था कि गाड़ी चल गई, इसलिए इस डिब्बे तक नहीं पहुंच सका। एक दफा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे आसमान से गिरा दिया हो। जब तक हम दिल्ली नहीं पहुंचाते मुझे यूं डर लगता रहेगा। तुमने घर वालों को तार तो दे दिया है ना? तार? कैसा तार? हमारे पहुंचने की इत्तला, ताकि वो लोग हमें लेने के लिए स्टेशन पर आ जाए। ओ, हमारे पहुंचने की इत्तला, वो तार तो मैंने दे दिया है। लाज, माता जी तुम्हें देख के बहुत खुश है। तुम मेरी माँ को जानती लाज, ही इज ग्रेट। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भी। भैया, क्या मैं सारी उम्र कुंवारा ही रहूंगा? अपनी शक्ल तो देख। माँ बाप को तो बड़ी प्यारी लगती है, ना जाने लड़कियां देखकर क्यों शर्मा जाती हैं। खैर, कोई ना कोई बेशर्म मिल ही जाएगी। नहीं नहीं, ये बात छोड़, तू अपनी बात कर। तूने क्या किया, तेरी शक्ल तो अच्छी है ना? हाँ, गनीमत है। गनीमत है तो फिर कोई लड़की तुझे क्यों नहीं पसंद करती? तेरा दिल किसी पर क्यों नहीं आता? अरे अपने दिल की क्या पूछती हो? क्यों है अपना दिल तो आवारा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा,
जाने किस से आएगा। जब है दीवाना न दर न ठिकाना, कमी से बेगाना फलक से जुदा। अजब है दीवाना न दर न ठिकाना, कमी से बेगाना फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। जमाना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। जमाना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। सफर में है ये बंजारा न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। जमाने भर का नाकारा न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। अरे गोगी, लड़का लड़की गए गए। चल यार इनका पीछा ही करें। क्यों? अरे यार तू समझता क्यों नहीं है कि ये लड़की अपने घर से जेवर चुरा के इस लड़के के साथ भाग रही है। हो सकता है अपने अखबार के लिए एक मजेदार कहानी मिल जाए। मगर भाई मुझे कहानी से क्या वास्ता है? देखो अगर आज मैं कहानी लेके नहीं गया तो एडिटर अपनी छुट्टी कर देगा। देख भाई मुझे एक जरूरी काम से नेशनल स्टूडियो जाना है, तुम इनका पीछा करो। अच्छा तो मैं जाता हूँ। ओहो गुड बाय। गुड बाय। विश मी लक। ओ यस।
चलने में कितनी देर है? सिर्फ 3 मिनट। चल क्यों नहीं पड़ती? मेरी तो डर के मारे जान निकले जा रही है। जब पिताजी सुबह उठेंगे तो उन पे क्या बीतेगी, और बच्चों को स्कूल के लिए कौन तैयार करेगा? तुम तो खामखा डर रही हो लाज, गाड़ी चलते ही तुम्हारी सब घबराहट दूर हो जाएगी। गजब हो गया लाज, तुम्हारे डॉक्टर अंकल, तुम जल्दी से बाथरूम में छुप जाओ। खबरदार तुम जहां हाथ लगाया तो। कमाल है, आपकी जान भी बचाएं और धमकी भी खाएं। उस आदमी को रोको। कौन सा आदमी? वो जो भाग रहा है, मैं कहती हूँ जल्दी करो। मैं नौकर हूँ आपका, काम करवाना हो तो मिन्नत कीजिए, इल्तजा कीजिए, प्लीज कहिए। मैंने कहा कौन है ये आदमी? हो कोई भी, उसे रोको। जो आदमी आप जैसी खूबसूरत लड़की को छोड़ के भाग रहा हो, मैं उसे रोकने के हक में नहीं हूँ। गधे के सर से सींग। दरअसल आजकल के आशिक लड़की से ज्यादा उसके जेवर से प्यार करते हैं। आदमी ईमानदार लगता है मुझे जो आपको छोड़ गया और मतलब की चीज ले गया। खैर अब पछताए क्या हो कि जब चिड़ियां चुग गई खेत। किसी की मदद के आप इस रेलिंग पर नहीं चढ़ सकते। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। आपकी मर्जी। आपको रेलिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हुए देखकर मुझे अपने कॉलेज का जमाना याद आ गया। कितना रंगीन जमाना। रात को जब मैं देर से आया करता था तो अपने हॉस्टल की दीवार यूं ही फाड़ा करता था। ऐसा लगता आप कभी हॉस्टल में नहीं रही हैं। जब भी तो आप रेलिंग पे नहीं चढ़ सकती हैं। बिल्कुल अनाड़ी। भगवान के लिए मेरी कुछ मदद कीजिए ना, प्लीज। ये बात हुई ना, आइए। सरदार साहब, अभी अभी यहाँ से कोई आदमी टैक्सी लेके गया है। ओए बादशाह हो, इतो आदमी टैक्सियां लेके जाते ही रहते हैं। और तुम किस की गल करता है बाबू जी? जो आदमी आपके आगे वाली टैक्सी लेके गया है, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ। रात का टाइम है, की पता लगता है कौन आदमी सी? उसके उसके हाथ में बैग था। मेम साहब था कुछ जरूर, चट से आया, टैक्सी के बीच में बैठा और चला गया। किस तरफ चला गया? वह रब जाने किधर चला गया। आपने उस टैक्सी का नंबर देखा था? नंबर? नंबर तो नहीं देखा था। उस टैक्सी का मॉडल कौन सा मॉडल था? ऑस्टिन था, हेलमैन था।
कोई मैन था। कोई और निशानी? हम ड्राइवर को जानता है। ओहो, तो फिर बताओ ना वो कहाँ रहता है, उसका उसका घर कहाँ है? ओ, घर तो बता दे बाबू, पर ये लफड़ा क्या है? वो तो बाल बच्चे वाला आदमी है। कुछ बात नहीं सरदार साहब, बात यह है कि जो आदमी उसकी टैक्सी में गया है हम उसका पीछा कर रहे हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि वो घर वापस कब पहुँचता है? उसका गाड़ी छिड़ने का टाइम तो हो चुका है, पैसेंजर नहीं मिला तो सीधा घर में जाएगा। और अगर पैसेंजर मिल गया तो शायद कल तक भी नहीं जाए। अरे गाक और मौत का क्या भरोसा, चांस लेना है तो हमके साथ तुम अभी चलो, हम तुमको उसका घर दिखा देता है। देगा लोही ना, पहले क्यों नहीं किया? अब आशाओ चांस ले लीए। बोले हो बाबू, तू पंजाबी निकले? माफ कीजिएगा, शायद मेरी वजह से आप अपने उस को बैठी। क्या नाम है आपका? कुछ नहीं। नाम तो अच्छा है, कहाँ रहती हैं आप? कहीं नहीं। जगह भी बहुत अच्छी है। कौन था वो लड़का? मैं कुछ नहीं बता सकती। तो ये सबसे अच्छा है, कहाँ जा रही थी आप उसके साथ? जहन्नम में। अगर जहन्नम में आप जैसी खूबसूरत लड़कियां मिलती हों तो मैं वहीं का टिकट कटवा लूं। अब मेरा नाम कश्यप है, प्राणनाथ कश्यप। मुझे जाने की ख्वाहिश नहीं, लेकिन मुझे बताने की तड़प तो है। नाम जरा पुराना है लेकिन है मतलब का। आप चाहें तो मुझे नाथ कह के पुकार सकती हैं, चलेगा ना? तुम टैक्सी चलाते हो या मालगाड़ी, और तेज क्यों नहीं चलाते? हम टैक्सी चलाता है मैम साहब, अब हवाई जहाज नहीं, इस तो तेज कैसा चलेगा? बिल्कुल ठीक कहा सरदार साहब, आप 30 मील के ऊपर मत चलिएगा वरना पुलिस आपका चलान कर देगी। अगर तुम्हारा चलान हो भी गया मैं जुर्माना भरने के लिए तैयार हूँ। सरदार साहब, अकलमंद आदमी औरत की जबान का एतबार कम ही किया करते हैं, आगे आपकी मर्जी। शाबाश हो बाबू, तू ठीक किया है, तीस तो ऊपर कैसा चलेगा? संभाल के संभाल के संभाल के। खैर छोड़िए इन बातों को, उसका नाम तो बता दीजिए। किसका? वही वो जो 9-2-11 हो गया है। मैं कुछ नहीं बता सकती। नाम क्या है? कुछ नहीं। कहाँ रहती हैं? कहीं किसके पीछे भाग रही हैं? पता नहीं। आखिर मैडम मामला क्या है, कुछ हम भी तो समझें। क्या है तेरे अफसाने? ड्राइवर, और कितनी दूर जाना है? बस थोड़ी दूर है मैम साहब। कितने का था वो नेकलेस? बहुत कीमती नेकलेस। कौन सा नेकलेस? मेरी समझ में नहीं आता तुम किस नेकलेस की बात कर रहे हो। वही वो जो लड़का लेके भाग गया है। लोकल ट्रेन में मैं उसकी कीमत के बारे में सुन नहीं सका। वो नेकलेस नहीं लेके भागा। तो फिर आप उसके पीछे क्यों भाग रही हैं? मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। बड़ा खुश नसीब है वो लड़का जिसके पीछे आप जैसी खूबसूरत लड़की भाग रही। अपनी तो ट्रेजिडी यह है कि हम जिंदगी भर लड़कियों के पीछे भागते रहे लेकिन हमारे पीछे आज तक कोई लड़की नहीं भागी। पैर छोड़िए इस बात को, क्या काम है आपको उस भले मानस से? तुमसे मतलब? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मैं चोर के साथ भाग रहा हूँ या चोर के पीछे। तुम जो भी चाहो समझ लो। बाबूजी तुम बैठो, हम अभी पूछ के आता है। अच्छा आ गया सासरीकाल। सासरीकाल मैं कहा महिंदर से आया, बंता से होनी है? और बैठ भी जैसे हैं काल केड़ी भैया हुने आ जांदा है। मैं क्या ए मुंडना पंछी कौन ने? चुप चुप यार पैसेंजर है। जैसे हैं तो बेटा घबराया क्यों है? क्यों भाई की गल है? भाई गल है यार कि ये छोकरा छोकरी को नहीं जानता है, ये किसी के पीछे भाग रहे हैं। इनकी बातों से ऐसा मालूम होता है कि कोई नेकलेस की चोरी हो गई है और कहीं पुलिस का केस ना हो जावे। हम तो मनु ये पूछना आया है कि मैनू की करना चाहिए। यार तू ऐना डरना क्यों है? तू छोकरे ने जाके पूछे छोकरी कौन है, और वो ना बताए तो हमको आवाज दे, हम खुद पकड़ के पुलिस चौकी ले जाएंगे। आ गल है ना, मैं हम होने जाके पूछता है कि छोकरी कौन है। बहू जी बंता सिंह तो आया नहीं, बस अभी आने ही वाला है।
बाबू जी जरा एक मिनट बाहर आओगे? क्या बात है सरदार जी, गर्मी बड़ी है। गर्मी है क्या, यही कहने के लिए बुलाया है? मैं क्या, जरा एक मिनट ऐसा था उधर। बात यह है कि हमको कुछ शक सा पड़ गया है। देखो ना बाबूजी, हम है गरीब टैक्सी ड्राइवर और हमको हम बात क्या है सरदार जी, एक गल पूछता है। तो पूछो। ये कौन है सरदार जी? ये एक छोकरी है। छोकरी है, ये तो हम भी जानता है, पर ये है कौन? वही है। वही 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 यही तो है वो, यही तो है, यही तो है वो, यही तो है। देखिए देखिए गौर से फिर देखिए, देखिए देखिए गौर से फिर देखिए, यही तो है वो, यही तो है, यही तो है वो, यही तो है। सुना होगा आपने किस्सा ये चौपाल में, एक राजा फंस गया था एक परी के जाल में। सुना होगा आपने किस्सा ये चौपाल में, एक राजा फंस गया था एक परी के जाल में। वो परी आई है फिर नए जलवे लिए, अरे देखिए देखिए गौर से फिर देखिए, यही तो है वो, यही तो है, यही तो है वो, यही तो है। का ये कहा होगा तुम्हें याद भी, भोली भाली सूरत वाले होते हैं जल्लाद भी। शायरों का ये कहा होगा तुम्हें याद भी, भोली भाली सूरत वाले होते हैं जल्लाद भी। सीने में दिल नहीं फिरते हैं पत्थर लिए, अरे देखिए देखिए गौर से फिर देखिए, यही तो है वो, यही तो है, यही तो है वो, यही तो है। जिनके लिए जान दी फरहाद ने, जंगल जंगल रोता था मजनू भी जिनकी याद में। हाँ वही जिनके लिए जान दी फरहाद ने, जंगल जंगल रोता था मजनू भी जिनकी याद में। रोमिए चल बसा जिनकी तमन्ना लिए, देखिए देखिए गौर से फिर देखिए, यही तो है वो, यही तो है, यही तो है वो, यही तो है। कह लो हंसे पर ये सही बात है, कुछ तो है जो इनका मेरा गली गली साथ है। तुम इसे कह लो हंसे पर ये सही बात है, कुछ तो है जो इनका मेरा गली गली साथ है। और हम क्या कहें खुद ही समझ लीजिए, देखिए देखिए गौर से फिर देखिए, यही तो है वो, यही तो है, यही तो है वो। हाँ हाँ वही पैसेंजर। कौन वो लड़का सा जिसके हाथ में बैग था? हाँ वही, उसे तो मैं नेशनल स्टूडियो छोड़ के आया हूँ। तो चलिए सरदार जी, हमें भी वहीं छोड़ दीजिए। बैठिए। कम इन।
हेलो। तुम इस वक्त यहाँ? क्या करूँ मेरी जान, तुमसे दूर रहा नहीं जाता। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि स्टूडियो में मत आया करो, तुम मुझे जरूर बदनाम करोगे। मैं भी तो कई दफा कह चुका हूँ, छोड़ो इस फिल्म लाइन को और घर बसा दो मेरा। मुझे भूखे मरने का शौक नहीं है। रानियों की तरह रखूंगा तुम्हें। तुम्हें सिर्फ बातें बनानी आती है। मैंने कहा था ना, एक दिन तुम्हारे सब गिले दूर कर दूंगा। आंखें बंद करो, करो ना। शाम, असली मोतियों का है, जानती हो इसकी कीमत क्या है? 10,000। कितने पैसे हुए सरदार जी? 1 रुपया 3 आने। 1 रुपया 3 आने। ये लीजिए 5 रुपए, और बाकी के रुपए उन सरदार जी को दे दीजिएगा जिनकी टैक्स में बैठ के हम आपके गैराज में। अच्छा जी। आप यहीं ठहरिए, मैं उसे स्टूडियो में ढूंढता हूं। ऐसा ना हो कि आपको देखकर वो कहीं छुप जाए। फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आया। तुम इन शरीफ लड़कियों को नहीं जानती, ये जान दे देंगी लेकिन किसी से जिक्र तक नहीं करेंगी। और जहां तक मेरा ख्याल है, वो इस वक्त तक घर पहुंच चुकी होगी और सरहाने में मुंह दिए रो रही होगी। लेकिन फिर भी शाम, इस हार को अपने पास रखना खतरनाक है। क्यों ना इसे बेच दे और उन रुपयों से शादी कर ले, है ना? मैं एक जोहरी को जानती हूं। मैंने कहा हजरत, कोई श्याम साहब काम करते हैं स्टूडियो में? टाइम मेरे पास घड़ी बड़ी कुछ नहीं है। मैं टाइम नहीं पूछ रहा हूं, मैं एक श्याम साहब के बारे में पूछ रहा हूं। माचिस से निकालिए। माचिस? ओह माचिस, हाँ जरूर लीजिए माचिस। ये लीजिए, हाँ हाथ में लीजिए। सिगार निकालिए। जी सिगार तो नहीं है मेरे पास, सिगरेट है। एक सिगार निकालिए। हाँ हाँ सिगरेट लीजिए, सिगरेट भी हाथ में लीजिए। मैंने कहा हजूर, मैं एक आदमी को तलाश कर रहा हूँ। नौकरी की तलाश करते हैं? इधर नौकरी बकरी कुछ नहीं, और किधर ढूंढो? नौकरी नहीं, मैं एक लड़के को तलाश कर रहा हूँ। लड़के? क्या खूबसूरत है वो? लड़की नहीं, लड़का। अरे साहब, क्यों आप नाराज होते हैं? मैं थोड़ा कान से बेरा है, वो कौन सा डिपार्टमेंट में काम करते हैं? अब आईना लाइन पे। भैया डिपार्टमेंट का तो पता नहीं, लेकिन है स्टूडियो में। स्टेज नंबर 2 में तपास करो। तपास? ढूंढो। ओह ओह, ये स्टेज नंबर 2 किधर है? मेरा नाम मोतीराम है। मैं आपके नाम के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं स्टेज नंबर 2 के बारे में पूछ रहा हूँ, किधर है? उधर जाइए। तो ऐसा बोलो ना। मोतीराम जी, एक नंबर दीजिए। आपका कोई फोन नहीं आया मैडम? फोन आया नहीं, मुझे फोन करना है। हाँ सुन लिया, कौन सा नंबर मांगते हैं? 242787। अच्छा लीजिए। अरे यार गोली मार, अंदर आ। केशव यार, तू किस चक्कर में घूम रहा है? और तू किसकी फोटो ले रहा था? यार मुझे अपने अखबार के लिए कुछ शूटिंग की फोटो चाहिए थी, इसलिए आ गया। मगर तू क्या कर रहा है? क्या बताऊं यार, एक अजीब उलझन में फंस गया हूँ। याद है वो गाड़ी में हमारे पीछे एक लड़का और लड़की बैठे थे? हाँ वो रोमियो जूलियट। हाँ भाई रोमियो और जूलियट, वो रोमियो जूलियट का हार लेके भाग गया। भाग गया है? यार गाड़ी में तो दोनों एक दूसरे के साथ भाग रहे थे, मगर ये लड़की कैसे पीछे रह गई? आजकल के रोमियो ज्यादा देर तक लड़कियों का साथ नहीं देते।
उसको क्या हुआ? अरे रोमियो हार लेकर भाग गया, तू जूलियट को लेकर भाग जा। मगर वो है कहाँ? बाहर खड़ी। बाहर? अच्छा सॉरी मैं अभी आया। तुझे मजाक सूझ रहा है, उस गरीब की जान पर बनी है। तो भैया मैं क्या करूँ? मुझे पता चला है कि वो लड़का हार लेके इसी स्टूडियो में आया है। स्टूडियो में? तुम ऐसा करो कि जैसे भी हो उसे ढूंढ निकालो और उस पर निगाह रखो, मैं पुलिस को लेकर आता हूँ। अच्छा भैया तुम पुलिस को लेकर आओ, मैं चलता हूँ। फिर मेरी बात? अच्छा यार तुम पुलिस को ले आओ, मैं उसे ढूंढता हूँ। अब तो खुश हो? कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला, बहुत कोशिश की। इतना बड़ा स्टूडियो है, हो सकता है अंदर कहीं छुप के बैठा हो। आई मेरे साथ। कहाँ? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? हाँ, बगैर पुलिस की मदद के उसका मिलना नामुमकिन। पुलिस स्टूडियो की तलाशी ले लेगी, अगर अंदर हुआ तो पकड़ा जाएगा। आइए देर ना कीजिए। ठहरिए, पुलिस की क्या जरूरत है? इतनी सी बात के लिए पुलिस स्टेशन जाना फजूल है। कमाल है, वो आदमी आपका हार लेके भाग गया है और आप हैं कि पुलिस में रिपोर्ट भी करना नहीं चाहती। अगर आपको अपना हार वापस लेने की जरूरत नहीं थी तो फिर ये दौड़ धूप किस लिए की? खामखा मेरा वक्त भी जाया किया आपने। हा? मेरी खातिर जो आपको तकलीफ हुई मैं उसकी माफी चाहती हूँ। देखिए ये बात नहीं, आप मुझे एक शरीफ घराने की लड़की नजर आती हैं और आप मुसीबत में मुब्तला हैं। मुझ पर यकीन कीजिए, मैं आपको इस मुसीबत से निकालना चाहता हूँ। मुझे बताइए ये सब मामला क्या है? मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं कुछ नहीं बता सकती। सुनिए तो चलिए आपको घर पहुंचा रहा हूं। रात ज्यादा गुजर चुकी है, आपका अकेले जाना ठीक नहीं है। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं खुद ब खुद घर चली जाऊंगी। लेकिन आप अकेली इस वक्त? मैं कहती हूँ मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे जाने दीजिए ना। तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप मुझे एक शरीफ घराने की लड़की नजर आती हैं। जब तुम पराए घर चली जाओगी तो इस घर का क्या होगा?
ए मिस्टर, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हवलदार, सीढ़ियों पर से इनका पांव फिसल गया और ये गिर पड़े। क्या लफड़ा है? लफड़ा? कोई लफड़ा नहीं हवलदार, हम बाजू में तो रहते हैं, यहाँ सैर करने के लिए आए थे। दरअसल बात यह है कि कुछ दिनों से इनकी तबीयत खराब है, चक्कर आया और ये गिर पड़े। गिर पड़ी? कौन हो तुम? मैं इनका, हम दोनों, ये मेरी बीवी है और मैं प्राणनाथ, इनका प्राणनाथ। कौन हो तुम? हवलदार है ना अपना, हवलदार है, आप भी के बारे में पूछ रही थी। नाथ? नाथ, ये मुझे हमेशा नाथ कह के पुकारती हैं, इसीलिए। इनको जल्दी से घर ले जाओ, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। हाँ, मुझे भी यही दिखता है, तुम चलो। मुझे डर था आप यही कुछ करेंगे, इसीलिए आपका पीछा कर रहा था। आपने मुझे बचाया क्यों? मैं मर जाती तो अच्छा था, मैं पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगी? नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं पिताजी को मुंह नहीं दिखाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी। तुम डूब जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं कहती हूँ मुझे डूब जाने, छोड़ दो, मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो, मैं कहती हूँ मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, मैं घर नहीं जाऊंगी। आइए यहाँ बैठिए। अगर आप यूं मर जाती तो आपके पिताजी दुनिया को क्या मुंह दिखाते? यूं खुदकुशी कर लेने से मुसीबत तो नहीं कर सकते? कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, पिताजी को जब ये सब मालूम होगा उन पे क्या गुजरेगी? मोहल्ले वाले मेरा आना जाना मुश्किल कर देंगे। फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कौन था वो लड़का? आप उसके साथ क्यों आए? क्या नाम है उसका? श्याम, श्याम खन्ना। पिताजी मेरी शादी कहीं और कर रहे थे और मैं श्याम से प्यार करती थी। उसकी झूठी बातों में आकर मैंने अपना घर छोड़ दिया। उसी के कहने पर मैं वो नेकलेस घर से लेकर आई। मुझे क्या मालूम था कि वो मुझे यूं धोखा देगा। कमाल है, अब तक आया क्यों नहीं? मेरी समझ में नहीं आता, वो कहां रह गया? मैं उसको फिर फोन करके आती हूं। इस वक्त 12:45 बजे है, आपको सुबह ठीक 5 बजे पिताजी को जगाना है। अगर हम जी जान से कोशिश करें तो इतने वक्त में उसे ढूंढ निकालना मुश्किल नहीं। और अगर नेकलेस न मिला तो मैं घर किस तरह जाऊंगी? नेकलेस को ढूंढ निकालना मेरा काम है। जय राम जी की। राम राम बाबू, कहाँ है बाबू? भैया हम जरा भीग गए। भीज तो नहीं होत है बाबू साहेब, आप भीज कैसे गए? वो बात ये हुई कि हम नीचे से जा रहे थे और ऊपर से किसी ने पानी डाल दिया और हम भीग गए, है ना? अस जान परत है को बहुत ढेर पानी डाल दी हिंसा सु। भैया जरा जल्दी ये कपड़े सुखा दो और इस्त्री कर दो, और जब तक ये कपड़े तैयार हो हमें कुछ और पहनने के लिए। बाबूजी, एक एक रुपया पड़ी इनका सुखावे के है और स्त्री भी करे के हुई। हाँ जरूर, एक एक लो, ये लो 2 रुपए, ये जरा गीले हैं, इन्हें भी सुखा लो। है, ले समरिया, और सुन, इनके लिए 2 कपड़ा निकाल दे। मेरी तो सर्दी के मारे जान निकली जा रही है। पानी में कूदने से पहले देख लेना चाहिए था कि पानी ठंडा है या गर्म। लो बाबूजी, दोनों के कपड़े, अंदर जाए क्या बदल लेंगे? साथ साथ? नहीं, पास पास, मेरा मतलब है बीच में पर्दा। यहाँ? हाँ। और आप? आप यहाँ और मैं
यहाँ चलेगा? चलाना ही पड़ेगा। आपने अपना नाम नहीं बताया। मुझे लाज कहते हैं। लाज? इसीलिए आपको इतनी लाज आती रहती है। मेरा नाम तो याद ही होगा आपको। आपका नाम तो आपके माँ बाप ने गलत रखा है। बजाय प्राणनाथ के हेमंत कुमार होता तो बहुत अच्छा होता। अच्छा ये बताइए, आपने गाना कहाँ से सीखा? पसंद आया आपको? हाँ कुछ कुछ। ये बताइए, आप गाना गाते वक्त मेरी तरफ देख के मुंह क्यों बना रहे थे? मुझे बहुत गुस्सा आया आप पर। और अब? आपका तो पता नहीं। कौन कौन है आपके घर में? जी आजकल तो कोई नहीं, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद बीवी बच्चे आने वाले हैं क्या? आप भी कमाल करती हैं। यहाँ अभी तक शादी ही नहीं हुई और आप बच्चों की बात करती हैं। जी दरअसल बात यह है कि आज तक कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जिसके साथ अपना घर बस सके। माफ कीजिए, मैं तो समझी आपकी शादी हो चुकी है। अच्छा ये बताइए, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? जी क्या करूं, किसी लड़की पर दिल ही नहीं आया। लेकिन अब क्या, कोई अच्छा लगने लगा है। कौन है वो? है एक लड़की। कैसी है? शक्ल सूरत की तो अच्छी है, लेकिन मिजाज जरा तेज है। आप उसे कब से जानते हैं? अभी नई नई मुलाकात है। कहाँ रहती हो? पहले तो कहीं और रहती थी, लेकिन अब मेरे दिल में रहने लगी। बड़ी खुशनसीब हो लड़की जो आपके दिल में रहती है। लेकिन मजा तो जब है कि हम भी उसके दिल में रहने लगे। आप उससे पूछ क्यों नहीं लेते? कहा था ना आपसे कि मिजाज की जरा तेज है, इसीलिए जरा डर लगता है। बड़े डरपोक हैं आप, वो आपको खा तो नहीं जाएगी। खा जाने। अच्छा चांद सितारे देखूं बाबू तो रहे
ये जवानी अजब मस्तानी हो सुन के दीवानी बातें बहार की। कहीं जी मेरा चोरी चोरी दोनों वालिए ये सीधी साधी चाल, ये सीधी साधी चाल हुई रे चंद चाल। देखो मुहे लगा सोलवा साल, देखो मुहे लगा सोलवा। शाबा मिलाना कदम जो उठाना तो देखभाल के। अजब है ये साल, अजब है ये साल, समझता है काल। देखो मुहे लगा सोलवा साल, देखो मुहे लगा सोलवा। शाबा समझे भाई। सात मर्दों की छोटी नजर इनकी खोटी, लबों पे छोटी छोटी है बात प्यार की। छोड़ो गोरी ये कहानी है कितनी सुहानी, ये रुत मस्तानी ये रात प्यार की। सुना मुझे से हाल, सुना मुझे से हाल, बिछाए वही देखो इन्हें लागा सोलवा साल, देखो इन्हें लागा सोलवा साल। कब से जानते हैं आप इस धोबन को? आज जिंदगी में पहली बार इसे देखा। ओ, तभी आप इतने घुल मिल के उसके साथ गा रहे थे। वो तो मैं आपका दिल बहलाने के लिए गा रहा था।
दिल तो खैर आप जिसका बहला रहे थे वो तो मैं भी देख रही थी। ये धोबन है बड़ी खूबसूरत और नाश्ती भी बिल्कुल बिजली की तरह, आपका क्या ख्याल है? अजी साहब मैं पूछती हूँ, आप जिंदगी में गाने के अलावा कुछ और भी करते हैं? कभी चलती ट्रेन में गा रहे हैं, कभी टैक्सी वालों के सामने, कभी धोबियों के साथ, आपको लाज नहीं आती? ये लाज ही अगर जिंदगी में आ जाए तो और क्या चाहिए। दिल की बात तो यह है कि जब से आपको देखा है जी चाहता है कि गाता ही चला जाऊं। ये आपसे किसने कहा कि दिल की बात सिर्फ गाकर ही समझा जा सकती है? बातों का नहीं, बिजनेस का है। कहाँ है वो नेकलेस? वो नेकलेस अभी उस गधे के पास ही है जिसे वो तुम्हारे हाथों बेचकर मुझसे शादी करना चाहता है। मुझे पूरी हमदर्दी है उस गधे से। सुनो, शाम इनसे मिलो, ये है मिस्टर बिहारी लाल, हमारे शहर के बहुत बड़े जौहरी। हेलो, हेलो। मुझे यही मिल गए थे। बैठिए। शाम आप भी फिल्मों में काम करते हैं क्या? जी नहीं, मैं तो क्या बताऊं। बात यह है बिहारी लाल जी कि जिस हार के बारे में मैंने भी आपसे टेलीफोन पर जिक्र किया था वो इन्हीं का है और ये उसे बेचना चाहते हैं। मैंने सोचा इतनी खूबसूरत चीज है क्यों ना आपके हाथों बेची जाए। ये तो आपकी मेहरबानी है कि आप लोग मेरी इतनी कदर करते हैं। कहाँ है वो नेकलेस? ये लीजिए। आप मजाक उड़ाना खूब जानती है मिस नीना, मान गए आपकी एक्टिंग को। लाइए अब असली नेकलेस दिखाइए। असली? यही तो है असली हार। मिस्टर शाम आप तो कहते थे कि आप फिल्मों में काम नहीं करते, फिर आप भी हमसे एक्टिंग करने लगे। ये नेकलेस झूठे मोतियों का है। झूठे मोतियों का है? ये कैसे हो सकता है? इसकी कीमत तो 10,000 रुपया है। शाम साहब ये तो 10 कौड़ी का भी नहीं है। बिहारी लाल जी शायद आपको परखने में कोई गलती हुई होगी। उसके बाद आप शायद ये कहेंगे कि मैं तमाम उम्र हीरों का नहीं कंकरों का सौदा करता रहा हूं। अजी साहब हम तो गुदड़ी में लाल पहचान लेते हैं, लेकिन जो हो ही कंकर मैं उसे कैसे हीरा कह सकता हूं। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि जिस मोती को मैं घर में परख रहा था वो सौदा भी शायद हाथ से जाता रहा। खैर मिस नीना आपके लिए मैं क्या नहीं कर सकता। अच्छा नमस्ते। मैं छूटा नीना। आई एम सॉरी मिस्टर श्याम। मैं इन्हें छोड़ के आती हूं। मेरे लिए यही असली मोतियों का नेकलेस है। मैडम शॉट तैयार है और वो डांस का ड्रेस पहन के आइएगा।
अभी क्या करूं, कल आपके गुलाम ने वो छाड़ दिया कि महबूब साहब दंग रह गए, और उसके बाद क्या बात करूं, महबूब साहब ने मेरे नरगिस के साथ एक छाड़ लिया, और उसके बाद क्या बात करूं, इत्तेफाक से मेरी आंख खुली क्या देखता हूं कि नीचे पलंग के मैं पड़ा हूं और बिस्तर ऊपर। तुम लोग क्या कर रहे हो, चलो सर दोबारा। एक लड़का और एक लड़की सेट पर चाहिए, मेरी पॉकेट में रखें क्या? चलो सर के ऊपर। बहुत अच्छा, ये रहा स्टूडियो। इतने बड़े स्टूडियो में उसे कैसे ढूंढेंगे? थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ आया था तो अपने दोस्त गोगी को उसकी तलाश में छोड़ गया था, हो सकता है उसने उसे ढूंढ निकाला हो। ये गोगी कौन है? गोगी वो नाटा सा मोटा सा मुंह में बाजा। और मिस्टर तुम दोनों मेकअप करोगे? मेकअप? हाँ मेकअप, क्या कभी मेकअप नहीं किया? मेकअप जी बहुत बार किया है, 6-8 बार किया है, लेकिन इस स्टूडियो में जरा नए हैं। आओ चलो मेरे साथ। ये मामला क्या है, कौन से मेकअप की बात कर रहे हैं? मेरा ख्याल है शूटिंग के लिए किसी का इंतजार कर रहा था, हमें देख के पकड़ लिया। लेकिन मैंने कभी फिल्म में काम नहीं किया। ओहो तो मैंने कहाँ किया है, अब क्या होगा? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बल्कि अच्छा हुआ कि यू आसानी से शाम को ढूंढने का मौका मिल रहा है। आपका दोस्त गोभी कहाँ है? वो भी यही कहीं होगा। अरे भाई ये लफ्तिन बाद में करना, चलो मेरे साथ। जी चलिए चलिए चलिए। मेरा मद्रास में कितना इज्जत था, कितना भाव था मेरा। आम जैमिनी स्टूडियो में काम करता था, चंद्रलेखा में झूले पे ऐसे गया, उधर से वाइस गया, उधर से इधर आया, हम डोले के माफिक झूला झूलता था। थोड़ा अभी तभी आई क्यों क्या मजाक है तुमको अंदर? ओ सॉरी असिस्टेंट साहब, हम इन लोगों का मेकअप करना है। इनको सिर्फ दाढ़ी मोछ, और इनको ओ इनका प्लेन यूं ही चलेंगे। सुनो सुनो डायरेक्टर साहब, हमारी बात सुनो जी, जरा बैठो जी। देखो ये 2 मिनट का आयला तुम इसको दाढ़ी मूछ लगा था, हमको भी थोड़ा जी। क्या आपका इरादा, आपको भी दाढ़ी मूछ लगाया? दाढ़ी मूछ में ना जी, हम दाढ़ी मूछ के बात नहीं करते, थोड़ा हमको भी कुछ चांस देना, हमारे अंदर क्या कमी है, तुमको वजन के माला जैसा डांस दिखाते ना, तो देखो तुम अभी देखो जी, थोड़ा संभल के बैठना है। सारे गारे जानी दाबा, सारे गारे जानी दाबा, सारे गारे बस 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 बस। अच्छा गाना भी सुना था जी, देखो हम गाना कितना अच्छा गा रहे, थोड़ा सांस भूल गया, कोई बात नहीं परवाह ले। आडवो में पड़ी पाडवो में आ, बस 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 बाबा ये यहाँ नहीं चलेगा। थोड़ा हिंदी में सुना था जी, लता मंगेशकर का गाना, नई दिल्ली में तुम देखा होगा। मुरली मुरली बेरन भई हो कन्हैया तोरी, मुरली बेरन भई कन्हैया तोरी, मुरली बेरन भई प्यार जता के तन मन लूटा, पीछे पड़ा बेमान अब अखियन के। तुम एक्टिंग एक्टिंग का चक्कर छोड़ो, प्लेबैक में तुम्हें ले लेंगे, जाओ अपना काम करो। अच्छा नहीं तुम कितना अच्छा है। दादा जा जल्दी। हाँ तुम हमको आके पाड़ पाड़ के क्या देखता है जी? वही हूँ, वही बात, वही नजर, वही एक्शन। बिल्कुल बिल्कुल दिलीप कुमार जैसा। अयो दिलीप कुमार में बाबुल, सॉरी बाबुल में दिलीप कुमार हमको ऐसा ही देखा, हमारा दिल धक धक होने लगा। उसके बाद जब हम उनको ऐसे देखा तो उनको 8 दिन का छुट्टी हो गया। डायरेक्टर उठाता मुख पे पानी डालता, होश में आता मेरी तरफ देखता, फिर बेहोश हो जाता। डायरेक्टर फिर उठाता फिर मुख पे पानी डालता, फिर मेरी तरफ देखता, फिर बेहोश हो जाता। हमने तुम्हारा काम तो कर दिया मेरी जान, लाओ हमारा कट। किस बात का? इस नेकलेस में हमारा भी तो हिस्सा है। झूठे मोतियों के नेकलेस में कुर्बान जाऊं तुम्हारी सदा से। जानती हो ये 10,000 से भी ज्यादा की चीज है,
तुम ही तो कह रहे थे कि ये 10 कौड़ी का भी नहीं। वो तो सिर्फ उस बेवकूफ के लिए। लेकिन मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं। बाय बाय। जा मैडम सेट पे जा। मैं जाऊं? आप बेफिक्री से जाइए, मैं शाम को ढूंढता हूं और अभी आपको सेट पे मिलता हूं। जाइए। कहो पहलवान, कितने मेकअप मिल जाते हैं महीने में? ऐसे तो भैया बहुत से मेकअप मिलते हैं, लेकिन कोई खास चांस नहीं मिला। शायद आज कुछ जमेगा। स्टेज नंबर 2 कहाँ है? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा जी लाज। क्या नीची निगाहों से बात करती हो। ताबेदार को यहाँ सब पहलवान के नाम से बुलाते हैं। अपन 10 बरस से काम करते हैं इस लाइन में, लेकिन भगवान की कसम ऐसा चांद सा मुखड़ा पहले कभी नहीं देखा था। मधुबाला दिखती हो मधुबाला। ये डायरेक्टर है, डायरेक्टर अपने को पहचानता है। अपन उसको बोलकर तुमको साइड हीरोइन का चांस दिलाएगा, लेकिन पैकअप के बाद। यन्ना पहलवान, यन्ना क्या सिरका है? छी, तुम चौकरी को अकेले में देख के चढ़ता है? खबरदार जो तुम फिर से चौकरी को छेड़ा, समझा? तुम्हारा गाड़ी सॉरी तुम्हारा दाढ़ी नोच के तुम्हारा पैकेट में रख देगा। गेट आउट। अटा छिपो आइए। छी अम्मा, ये अम्मा डरो नको जी, ये तो खाली नाम का पहलवान है। हम इसको एक तिरछी नजर मारेंगे, ए भाई को 36 दिन का चिट्टी हो जाएगा। अम्मा तुम इधर नया आया है? स्टेज नंबर 2 कहाँ है? हमारे घर के सामने। अच्छी सॉरी, ये सामने है अम्मा, जाओ। हेलो, मैंने कहा भाई साहब वो स्टेज नंबर 2 कहाँ है? मुझे नहीं पता। मैं स्टेज नंबर 2 के बारे में पूछ रहा। अरे भाई मुझे नहीं पता। इस तरफ है कि इस तरफ? अरे यार तू पता पूछता है या दादागिरी करता है, मुझे नहीं मालूम। पता हो तो जरूर बता दीजिए। अरे यार तू तो भिखारी की तरह गले पड़ गया है, माफ कर मुझे नहीं पता। हाँ कैसे? अरे बेस बदला हुआ है। अरे पर किस लिए? उस चोर को पकड़ने के लिए। पर पुलिस कहाँ है? पुलिस को नहीं ला सका, वो चोर कहाँ है? अरे उस चोर को मैंने नीना डांसर के मेकअप रूम में देखा है। और वो मेकअप रूम किधर है? मेकअप रूम उधर है, उधर। अरे तुम आ गए? बैठो बैठो बैठो। तुम्हारा फ्रेंड कहाँ गया? वो आता ही होगा। आता होगा। ओ डांस वांस आता है? जी। डांस, बॉलरूम डांस? जी थोड़ा थोड़ा। थोड़ा 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 चलेगा।
आदाब अर्जुन, इजाजत है? कौन है तुम? क्या चाहते हो? नेकलेस। कौन सा नेकलेस? अब भी बताने की जरूरत है? सीधी तरह निकाल दो तो ठीक है भाई साहब, वरना कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस को। इसकी क्या जरूरत है? खैर, अब आपने शुरू किया है तो खत्म मुझे ही करना पड़ेगा। हड्डियां तोड़वानी है या कि बताना है कि नेकलेस कहाँ है? बता दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, वो नेकलेस झूठे मोतियों का है। बको मत। मैं सच कहता हूँ, मैं सच कहता हूँ, नीना ने मेरे सामने एक जौहरी को बुला के दिखाया था और उसने साबित कर दिया है कि वो नेकलेस झूठे मोतियों का है। झूठे मोतियों का है? झूठे मोतियों। बेवकूफ, नीना और जौहरी ने मिलकर तुम्हें उल्लू बनाया है। जानते हो उस नेकलेस की क्या कीमत है? 10,000। बताओ कहाँ है? नीना के पास। नीना कहाँ है? सेट पर। आ भाई चलो पढ़िया। हाँ वो बारह नंबर ऑन करो, बारह नंबर। नहीं जाओ, जल्दी जाओ। एक मिस ओ, हेलो नीना। हेलो। मुंडे नहीं पहन रखे? अभी पहन के। ये नेकलेस बड़ा खूबसूरत है। जी ये मेरा है। जी नहीं, ऐसे झूठे मोतियों का है। एक काम करो ना। सर वोट दे रहे हम मंगल मूर्ति वोट जाए वोट जाए।
घड़ी के बच्चे, सच बताओ नेकलेस असली था या नकली? असली, एकदम असली। तो तुमने उस वक्त मेरे साथ झूठ क्यों बोला था? ये तो मैं फिर किसी वक्त बताऊंगा, लेकिन इस वक्त तो वो हम दोनों को उल्लू बनाकर चली गई है। क्या इरादे हैं, यूं ही जाने देना है या नेकलेस वापस लेना है? तुम्हारी क्या राय है? लड़की सेट पर है और नेकलेस उसके गले में, जाहिर है कि हम दोनों को वहां होना चाहिए। नेकलेस निकालना तुम्हारा काम है और 5,000 रुपया देना मेरा। 5,000? उसकी असली कीमत 10,000 है, 10,000। चोरी का कपड़ा लाठियों के गज नपता है, कहिए मंजूर है? चलो। मैडम ये देखिए आपका मिस लॉन्ग शॉट है। जस्ट मिस नीना, एक फोटो हो जाए प्लीज। आप कौन है? साइड में हरिया प्लीज। थैंक यू। अगर ऑफर देखिए, हाँ जरा मुस्कुराइए। डांस पोज, डांस पोज। नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखिए मेरा ख्याल है आप ये नेकलेस उतार कर फोटो खिंचवाएं तो बहुत अच्छा आएगा। क्या मतलब? जी मतलब ये है कि खूबसूरती जेवरों की मोहताज नहीं होती। आप ये नेकलेस मुझे दे दीजिए, फोटो के बाद वापस कर दूंगा प्लीज। अगर आपको फोटो लेना है तो ऐसे लीजिए और जल्दी कीजिए। ऑलराइट, गेट रेडी एवरीबॉडी। साइलेंस, साइलेंस प्लीज। ओके। हां सुनो सुनो, जैसे ही प्लेबैक स्टार्ट होगा आप लोग अपनी जगह पर उठ के डांस शुरू कीजिए। ऑलराइट, ओके ओके ओके। यू गेट रेडी? यस। प्लेबैक। यहाँ गाना नहीं गाएंगे? आपने मुझे गवैया समझ रखा है। शक्ल सूरत तो अच्छी है आपकी। यहाँ के डायरेक्टर को आपकी आवाज पसंद आ गई तो वो आपको हीरो बना देगा। मुझे हीरो बनने का शौक नहीं है। हीरोइन तो आ गई है लेकिन हीरो कहीं नजर नहीं आ रहा। आपका चेहरा बिल्कुल लाल हो रहा है, शायद मेकअप की वजह से। आप बिल्कुल डाकू नजर आ रहे हैं, शायद मुछों की वजह से। काट 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 काट। नहीं 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 नहीं, सुनो तुम ठीक नहीं कर रहे। साइलेंस साइलेंस साइलेंस। ये डांस जो हम ले रहे हैं नए साल का डांस है, और जैसे कि नए साल का दस्तूर है डांस के बाद लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। इस अंधेरे में आप लोग हैप्पी न्यू ईयर कहिए, तालियां बजाइए वगैरह वगैरह। और सुनो सुनो, लाइट सिर्फ एक मिनट के लिए ऑफ रहेंगी और इस दौरान में तालियां बजाना, हैप्पी न्यू ईयर कहना मत भूलिए। ओके। हाँ दैट्स बेटर। स्टार्ट प्लेबैक।
नजर की कटारी ये कैसे चली, नजर की कटारी ये कैसे चली, हराम ये लगी ये लगी, नजर की कटारी ये कैसे चली, हराम ये लगी ये लगी। चोर पकड़ो, चोर
निकालते हो नेकलेस या वही मेकअप रूम वाला प्रोग्राम किया जाए? देता हूं, तुम्हारे लिए ही तो लाया हूं। आदमी पर लड़ रहे हैं, उनमें से एक के पास उसका हार है। मिस्टर शर्मा, आप जल्दी से उधर घेरा डालो। कि स्टूडियो में ऐसी चोरी कैसे हो सकती है? नीना, तुम्हें तो कुछ अंदाजा होना चाहिए। राज साहब, पुलिस ने स्टूडियो को घेर लिया है और उसका छत पर पीछा कर रही है। अब उस आदमी के पकड़े जाने में ज्यादा देर नहीं। Thank you.
अभी क्या हुआ पहलवान? क्या हुआ भाई? अंदर मेन स्विच ऑफ हो गया, पता नहीं कुछ गोलमाल हो गया। क्या हो गया रहा? अरे बोला भाई, ये लीजिए नेकलेस, से जल्दी से यहाँ से निकल जाइए। सामने आपको टैक्सी मिल जाएगी, आप वक्त पर घर पहुंच जाएंगे। और आप? मेरी फिक्र न कीजिए, मुझे पुलिस से निपटना पड़ेगा। पुलिस? दीवार के पास देखो, दीवार के पास। लेकिन लेकिन मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। प्लीज मेरा कहा मानिए और आप यहाँ से चली जाइए। अगर मैं नेकलेस लेकर यहाँ से चली गई तो पुलिस इसकी चोरी के इल्जाम में आपको पकड़ लेगी। मुझे अपना वादा पूरा कर लेने दीजिए, आप नेकलेस के साथ वक्त पर घर पहुँच जाए, मेरे लिए इतना बहुत है। लेकिन आप समझते क्यों नहीं, अगर मैं चली गई तो पुलिस आपको पकड़ लेगी, आपकी इज्जत खतरे में। और अगर आप ना गई तो आपकी इज्जत पे क्या होगा? इसी खातिर आपने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। hey! आपने पहले क्यों नहीं बताया कि नेकलेस 10,000 रुपए का? सब यही आदमी है जो नेकलेस लेकर भाग रहा है। कहाँ है वो नेकलेस? इंस्पेक्टर साहब, नेकलेस मेरे पास है और इसके असली मालिक है। क्यों मिस नीना, आप तो कहती थी कि ये नेकलेस आपका है। जी? जी, मीना, मिस्टर श्याम, आप बेधड़क कहिए जो कुछ कहना है। जी, मुझे ये श्याम ने दिया था। क्यों मिस्टर श्याम, ये क्या माजरा है? इंस्पेक्टर साहब। ए! इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी भागने की कोशिश कर रहा था। भागने की नहीं, जाने की कोशिश कर रहा था। इंस्पेक्टर साहब, यही वो जौहरी है जिसने नीना के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है। साहब, मुझे तो यहाँ नेकलेस का सौदा करने के लिए बुलाया था। जी हाँ, आपको सच्चे को झूठा कहने को बुलाया गया था। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कहता हूँ, ये नेकलेस इन्हीं का है। मैं कुछ नहीं जानता, आप सब लोग पुलिस स्टेशन पर चलें। कमान मिस्टर शर्मा। साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपको जो कुछ कहना है वो पुलिस स्टेशन पर कहिए। क्या सोच रहे हैं आप? आज अगर आप मुझे ना मिलते तो ना जाने क्या होता। आपकी सगाई कब हो रही है? पिताजी आज सुबह जाने वाले हैं, दो चार रोज में हो जाएगी। जिस लड़के से आपकी सगाई हो रही है उसे आपने देखा है? नहीं। क्या काम करता है? मुझे पता नहीं। आप क्या काम करते हैं? कहानियों की तलाश में घूमता फिरता रहता हूँ। जी, जर्नलिस्ट हूँ, भारत टाइम्स के लिए लिखता। आज के इस वाक्य को आप अपने अखबार में छापेंगे? अब नहीं। बॉम्बे सेंट्रल में जब आपका पीछा किया था तो सोचा था कि शायद अपने अखबार के लिए कोई कहानी मिल जाए। इससे ज्यादा सच्ची और अजीब कहानी आपको कहाँ मिलेगी? आपकी जगह कोई और लड़की होती तो जरूर छाप देता। ड्राइवर, बस यहां रोक दो।
देखिए मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। 5 बजे से पहले आपको नेकलेस घर पहुंचा दिया है। जरूर है कि आपसे बिछड़ रहा हूं, क्या मुझे बड़ा दुख है। आपसे ज्यादा दुख तो शायद मुझे हो रहा है, लेकिन इस हसीन दुख की वजह से अब जिंदगी से प्यार हो जाए। 1 घंटे पहले आपसे मुलाकात हुई, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं आपको 6000 साल से जानता हूं। आप मुझे कुछ वक्त पहले क्यों नहीं मिले? मैं भी तो आपसे ये पूछ सकती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के इतना नजदीक होते हुए भी कितनी दूर, शायद इसी को नसीब कहते हैं। बस अब मेरी यही एक तमन्ना है कि आप जहां भी रहें फलें फूलें। और आप? तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूं। अपना दिल तो आवारा, न जाने किस के आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस के आएगा। रुकेगा न रुका है, न जाने धुन क्या है, कभी ये रसता है कभी वो रसता। रुकेगा न रुका है, न जाने धुन क्या है, कभी ये रसता है कभी वो रसता। तेरे है दर बदल मारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। किसी से ये मिला था, बताए कोई क्या था, बेदारी का समा था कि था वो सपना।
किसी से ये मिला था, बताए कोई क्या था, बेदारी का समा था कि था वो सपना। खुद अपने दर्द से हारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। पिताजी, 5 बज गए हैं। पांच बज गए। बेटी, रामू के हाथ एक कप चाय भिजवा दो। चाय? हाँ, चाय। आ जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ। मैं भी पिताजी? हाँ, मुझे छोड़ने नहीं जाओगी? प्लेन छूटने का वक्त हो गया है, अभी तक तुम्हारे डॉक्टर अंकल का पता नहीं। बेटी, जिस लड़के से तुम्हारी शादी होने वाली है वो भी उनके साथ आ रहा है। लड़का बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद है, फिर भी मैं चाहता हूं तुम एक बार उसे देख लो, उससे मिल लो। लो, वो आ गए। रुक क्यों गए? क्या हो गया बेटी? अरे डॉक्टर साहब, ये तो वही है। वही है? लड़का पसंद नहीं है क्या? शुक्र है भगवान का। यही तो है वो। यही तो है वो। भाई शंकर लाल से तो तुम मिल ही चुके हो, यह है उनकी बेटी लाज। नमस्ते करो बेटी। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। लेकिन तुम लोगों को देर कैसे हुई? जी बात यह हुई कि रात एक ऐसी ड्यूटी आन पड़ी, एक मिनट के लिए भी आंख लगाने की फुर्सत नहीं मिली। तुमको हो क्या गया है बेटी? कुछ समझ में नहीं आ रहा पिताजी। बात नहीं, अभी समझ आ जाएगी। कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं आप? लाज नेशनल कॉलेज में पढ़ती है और पढ़ाई में बहुत होशियार है। डांस और गाने में तो काफी प्राइज मिल चुके हैं। जी गाने का शौक तो मुझे भी है, बल्कि बाज लोग चढ़ाने के लिए ये भी कहते हैं कि मेरे माँ बाप को मेरा नाम हेमंत कुमार रखना चाहिए था। क्या हो गया बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं पिताजी। अच्छा बेटी, घर का ख्याल रखना और परसों तो मैं लौट ही आता हूँ। हाँ कश्यप, तुम्हारी माता जी को कुछ कहना? जी बस उनसे इतना कह दीजिएगा कि हम मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा अच्छा। कॉलिंग ऑल पैसेंजर्स फॉर बेंगलोर, योर अटेंशन प्लीज, द फ्लाइट फॉर बेंगलोर इज नाउ रेडी, पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट एट द गेट। कॉलिंग ऑल पैसेंजर्स फॉर बेंगलोर। से कह लो हंसे पर ये सही बात है, कुछ तो है जो इनका मेरा गली गली साथ है।
जैसे कह लो हंसी पर ये सही बात है, कुछ तो है जो इनका मेरा गली गली साथ है। और हम क्या कहें खुद ही समझ लीजिए, तो देखिए देखिए गौर से फिर देखिए, यही तो है वो, यही तो है, यही तो है वो।